हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत आप सबका अपने YouTube चैनल गिटाइज बाप पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा ब्रांड न्यू सॉन्ग तुझे कितना चाहने लगे फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। फ्रेंड्स, ये सॉन्ग मैं आपको पूरा पूरा सिखाऊंगा, पहले बजा के दिखाऊंगा फिर आपको सिखाऊंगा। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का लेसन। पहले मैं आपको इस गाने में जो भी सारी की सारी कॉर्ड्स लग रही हैं वो बजा के दिखा देता हूँ। इंट्रो में थोड़ी सी अलग कॉर्ड है, तो जब मैं इंट्रो सिखाऊंगा सबसे पहले तब मैं आपको बताऊंगा। पहले ओवरऑल जो नॉर्मल कॉर्ड लग रही है उस पर बात कर लेते हैं। इस गाने की सबसे पहली कॉर्ड है बी, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं तो बी आप ऐसे भी कर सकते हो, नीचे की चार स्ट्रिंग जानी है, कर पाए तो ऊपर की दोनों स्ट्रिंग को थम से म्यूट करना है। तो फर्स्ट कॉर्ड इज बी, सेकंड कॉर्ड इज ई, थर्ड कॉर्ड है एफ शार्प, फोर्थ कॉर्ड जी शार्प माइनर, फिफ्थ कॉर्ड में जो लग रही है सॉन्ग में वो है आपकी सी शार्प माइनर 7, सी शार्प माइनर भी लग रही है, जो बस ऐसे बस फिंगर यहाँ रख देनी है। नेक्स्ट कॉर्ड जो आपके है वो है डी शार्प माइनर 7 और डी शार्प माइनर। ये तो सारी कॉर्ड्स हुई इस गाने की। अब मैं आपको इंट्रो बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसकी कॉर्ड सिखाऊंगा। तो हमारा इंट्रो है, इसकी कॉर्ड्स जो चल रही है मैं आपको सिखाता हूँ। पहली कॉर्ड जो इसमें लग रही है वो है बी सस 2, जिसको बी सस्टेंडेड 2 भी बोलते हैं, जो इस तरीके से है। नेक्स्ट कॉर्ड जो है इसमें जस्ट आपने बी सस 2 में जी शार्प बेस ऐड कर देना है, जो साउंड ऐसी करेगा। ये फिंगर देखिए मैंने यहाँ रख दी, ये जस्ट ये थोड़ा मुश्किल लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा। थर्ड कॉर्ड आपकी ई और फोर्थ कॉर्ड जो है वो है आपकी एफ शार्प सस 2।
सॉरी सस फोर, एफ शार्प सस फोर जो ऐसी है, कुछ नहीं करना है इसमें, जो बार हम एफ शार्प में हमने लगाया था उसमें ऐसे बार को ऐसे कर देना है ताकि आपकी सेकंड स्ट्रिंग ओपन बच पाए। ठीक है फ्रेंड, तो पहली कॉर्ड जो मैंने बताई थी वो है बी सस टू, देन बी सस टू में जस्ट जी शार्प का बेस ऐड कर देना है, देन ई, लास्ट में आपकी एफ शार्प सस फोर। तो अब हम शुरू करते हैं लेसन को। पहला पिकिंग पैटर्न क्या है इसमें अगर आप देखेंगे तो वो है, इसमें आप स्ट्रिंग जो पिक कर रहा हूं वो है 5 4 2 3, देन स्ट्रिंग नंबर 3 पे फ्रेट 3rd फ्रेट 4। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेज, आपने इस फिंगर को जी शार्प पे लगा देना है अपनी मिडिल फिंगर को, और क्या करना है इसका पिकिंग पैटर्न है 6 4 2 3। ठीक है, तो अभी हमने कितना किया, ओके नेक्स्ट आपकी ई कॉर्ड है, इस पे आपने क्या करना है, इस पे आपने करना है 6 4 2 3 सेम। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड जो हमारी है एफ शार्प सस फोर, उस पर आपने करना है, ये मैंने क्या किया, पहले मैंने बेस ओपन लिया ई, देन दिस नोट, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग, सॉरी फोर्थ स्ट्रिंग, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, दोबारा देखिए एक बारी, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट साउंड बिल्कुल गाने की तरह बजाना है तो आपको इतनी ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको दोबारा एक बार बजा के दिखाता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। ये जब गाना बिल्कुल शुरू हो रहा है वोकल अभी नहीं आया, अब जब वोकल आएगा तो आपने यही चीज रिपीट करनी है, बस छोटा सा चेंज है, पहली कॉर्ड में जो आप ये कर रहे थे ये नहीं करना, बाकी सारा सेम है, बजा के दिखाता हूँ आपको मैं। और उसके बाद डायरेक्ट एफ शार्प लगानी है आपने ऐसे, एफ शार्प सस फोर। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे है, दिल का दरिया, रिपीट, हाँ फ्रेंड जो कॉर्ड्स हैं वो सारी नीचे लिखी आएंगी, आपने उस हिसाब से उसको करते रहना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये हमारा इंट्रो खत्म, नेक्स्ट पार्ट जो है मैं पहले बजा के देता हूँ कैसे है। दिल सच कह रहा तेरी कसम, ये हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इस गाने का। अब शुरू करते हैं इसको, फर्स्ट कॉर्ड इज योर ई, टू टाइम करना है, देन एफ शार्प टू टाइम, देन योर दिस इज योर डी शार्प माइनर 7 टू टाइम, देन योर जी शार्प माइनर 1 टाइम, एफ शार्प 1 टाइम, ठीक है, बैक टू ई 4 बीट के लिए 1 2 3 4, देन एफ शार्प 4 बीट के लिए 1 2 3 4। मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ कैसे करना है, कॉर्ड्स आपको पता चल गई हैं, टाइमिंग क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं, na 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 na
ठीक है, शुरू करते हैं अब। इसमें जो पहली कॉर्ड है वो आपका जो शुरू हो रहा है वो आपकी है सी शार्प माइनर 7, 4 बीट्स के लिए। इसमें आप क्या करना है, इसमें आप कोई भी पिकिंग पैटर्न ले सकते हैं। अभी मैं सिंपल सा पिकिंग पैटर्न आपको समझाता हूँ, पहले मैं टाइम बताता हूँ। तो पहली कॉर्ड में हमें 4 बीट रहना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फर्स्ट फ्रेज हुआ हमारा। सेकंड फ्रेज में दोबारा 4 बीट पहले कॉर्ड पे सी शार्प माइनर 7 पे 4 टाइम, 1 2 3 4 1 2 3 4। डायरेक्ट हमें बी पे जंप करना है। आप बी अगर यहाँ लगाना है, ये भी एक बी है, अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ नहीं जा पा रहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ लगा दीजिए। कैसे, मैं लगाता हूँ। क्योंकि सॉन्ग में प्लेन कॉर्ड लगाई है, अब इसमें ब्रोकन कॉर्ड क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपकी क्या नाम है रिदम शुरू हो जाती है। तो यही पार्ट आपने अब रिदम पे गा के बजाना है। मैं आपको बारह बोल रहा हूँ, जैसे ये एक बी है, ये भी बी है, तो आपकी चॉइस, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो अब दोबारा शुरू करते हैं। अब इसका रिदम पार्ट में कैसे है, लास्ट में सुनो। रिदम समझाता हूँ, रिदम क्या है, कॉर्ड्स आपको सारी आती हैं। रिदम बहुत सिंपल रिदम है जो मैं यूज़ की, पूरे गाने में ये चलेगी। तो वो क्या है, डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। दोबारा देखते हैं। ठीक है, अगर और इस पार्ट को आप पूरा ब्रोकन कॉर्ड पे बजाना है तो बहुत सिंपल पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी कर सकते हैं। देखिए पूरा गाना आपको सुनना पड़ेगा और जो मैंने डेमो बजाया है उससे कंपेयर कीजिए और फिर आपने इसको सेट करना है। थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा लेकिन डेफिनेटली आपको ग्रेट और एग्जैक्ट साउंडिंग मिलेगी। तो अगर इसको हम ब्रोकन कॉर्ड पे करेंगे तो कैसे आएगा, बजा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इसमें हम उसका सोलो कवर करेंगे। जो फर्स्ट फ्रेज है वो ऐसे है, ये हमारा पूरा सोलो है, इसको दोबारा बजाना है, ठीक है ना, 2 times बजेगा। तो मैं सिखाना शुरू करता हूँ आपको। सारा सारा स्ट्रिंग नंबर 1 पे मैंने बजाया ताकि ये ईजी रहे बजाने में। पहला नोट जो है वो है स्ट्रिंग नंबर 1 फ्रेट 12, देन 12 पे हिट करके 14 तक स्लाइड, देन लास्ट में लैंड करना है फ्रेट 11। तो क्या फील आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप बेंड्स लगाना जानते हैं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड ना लेके बेंड ले लें। तो दो ऑप्शन है, दोनों में जाकर दिखाता हूं आपको मैं।
नेक्स्ट, या ये भी कर सकते हैं आप, नेक्स्ट फ्रेज, दिस इज योर फ्रेट नंबर 9 7. नाउ नेक्स्ट फ्रेज, फ्रेट नंबर 6 4. तो पूरा 16 में जाकर दिखाता हूँ आपको. फिर दोबारा बजाइए इसको. सॉरी, दिस इज फ्रेट नंबर 6 4 लास्ट में. अब फ्रेंड्स, जब ये सोलो बज रहा है तो उसके पीछे पावर कॉर्ड चल रही है गिटार पे, डिस्टॉर्टेड पावर कॉर्ड्स. अब पहले मैं आपको पावर कॉर्ड बता देता हूँ कौन सी हैं, फिर मैं आपको बजा के दिखाता हूँ. सबसे पहली कॉर्ड जो है वो आपके E5. ये आपकी E5 कैसे बजेगी, आपने ये फ्रेट स्ट्रिंग 5 का फ्रेट 2 प्रेस करना है और सिर्फ ऊपर की दो स्ट्रिंग बजानी है, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट पावर कॉर्ड जो है वो है आपकी F sharp. इसमें बस आपका स्ट्रिंग नंबर 6 पे फ्रेट 2 एंड स्ट्रिंग नंबर 5 पे फ्रेट 4, ठीक है? देन नेक्स्ट जो आपकी है, बस को आगे आपने दो फ्रेट आगे ले आना, ये आपका हो गया G sharp पावर कॉर्ड. ये आप देख रहे हैं स्ट्रिंग नंबर 6 पे फ्रेट 4 और स्ट्रिंग नंबर 5 पे फ्रेट 6, ठीक है? नेक्स्ट आपकी है D sharp पावर कॉर्ड. ये आपने स्ट्रिंग नंबर 5 पे आपने पकड़ना है 6 फ्रेट और स्ट्रिंग नंबर 4 पे आपने पकड़ना 8. इसमें ये दोनों स्ट्रिंग बजानी है. देन बैक टू E5. तो आपके यही कॉर्ड लग रही है, E5 या E power, देन आपकी F sharp, G sharp, देन योर D sharp, ठीक है? तो ये बजे कैसे बताता हूँ आपको. ये पैटर्न है. अब मैं सोलो मुंह से गाता हूँ, आपको गा के दिखाता हूँ, उस पर कॉर्ड लगाता हूँ. रिपीट करना है, तो फ्रेंड्स ये हमारा सोलो सेक्शन खत्म हुआ. अब हम गाने के अंतरे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको उसकी स्कॉर्ड्स मेरे को बताई रखी हैं, सीधा मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कैसे है. लास्ट में थोड़ी सी कॉर्ड जो है, अगर आप गाना ध्यान से सुनेंगे तो जी का बेस लगाया है, थोड़ा अलग जा रही है, अलग फील दे रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. अगर आप दोबारा, आपको दोबारा बजा के दिखाता हूँ. सिंपल ये जी आप लगा दीजिए, ठीक है? स्ट्रिंग नंबर क्या नाम है, 6 पे 3rd फ्रेट, स्ट्रिंग नंबर 5 पे 2nd फ्रेट और स्ट्रिंग नंबर 1 पे 3rd फ्रेट, ठीक है फ्रेंड्स? ब्रोकन कॉर्ड्स में इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, जो सिंपल सी 5 4 3 2. देन नेक्स्ट कॉर्ड, इसमें अब जो कॉर्ड लगा रहा हूँ, आपने डी शार्प माइनर लगानी है, 7th नहीं, नॉर्मल डी शार्प माइनर लगानी है दो बारी, देन एक बारी एफ शार्प. पिकिंग आप लीजिए 6 4 3 2 एक बारी, देन आपने जंप करना है सी शार्प माइनर पे, इसमें आपने करना है पिकिंग 5 4 3 2 एक बारी, देन आप आएंगे ई पे आप जो आप पिकिंग ले रहे हैं वो है 6 4 3 2, देन आप जी पे आप लेंगे 6 4 3 2 एक एक बारी, ठीक है? दोबारा दिखाता हूँ. नेक्स्ट टाइम जब यही कॉर्ड बजेंगी, हल्का डिफरेंस है, अब लास्ट में आपने बस जी जो कॉर्ड लगाई उसकी जगह आपने
बैक टू बी लगाना है बस, और इस टाइम ये चीज हम रिदम में लेंगे। कैसे? ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बारी ब्रोकन कॉर्ड बजेगी और एक बारी आपका रिदम बजेगी। मैं पूरा बजा के दिखाता हूँ आपको फिर से। लास्ट में क्या है, बस ये फर्क है, पहले हमने ई से जी लगाया था, अब हम ई से बी लगाना है। उसके बाद फिर वो वाला सेक्शन जो हमारा था, मतलब यहां से हमारा जो सॉन्ग है रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सॉन्ग खत्म। मैंने आपको ये पूरा पूरा सॉन्ग सिखाया है बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपको कोई पार्ट इसमें समझ नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को पुल करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल गिटाइज वर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको और अच्छे लेसन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुद को मुझे तू सौंप दे।